शहडोल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संवाददाता निखिल शुक्ला ने पार्षद पद की प्रत्याशी आरती गुप्ता से खासा बातचीत की है। वार्ड क्रमांक 27 से पार्षद पद के लिए आरती गुप्ता चुनावी मैदान में उतरी हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 46 निकायों में चुनाव होना है। प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता के को क्षेत्र के विकास और समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 27 से पार्षद पद की प्रत्याशी आरती गुप्ता ने बताया कि उन्हें जनसंपर्क के दौरान जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। चुनाव जीतकर आने पर लोगों की समस्याओं का निराकरण और विकास कार्य उनकी पहली प्राथमिकता होगी। दोस्तों नमस्कार। नगरीय निकाय चुनाव 2022 के मतदान के कुछ दिनांक शेष रह चुके हैं और आज हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद शहडोल के वार्ड क्रमांक 27 सर्वांगीण विकास हेतु प्रत्याशी आरती मनोज गुप्ता जी के पास। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है इनको और कई दिनों से राजनीतिक संबंध रहा है। आइए इनसे जानते हैं किन विशेष मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव पे खड़ी हुई है, क्या विशेष जानकारी विशेष मुद्दे थे जो जनहितैषी कार्य के लिए खड़ी हुई है। नमस्कार सर्वप्रथम तो ये जानना चाहूंगा क्या विशेष मुद्दे थे कि आप इस बार चुनाव पे आए। ये पेयजल समस्या, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए वृद्धाश्रम योजना है, वृद्धा योजना, पेंशन योजना और बीपीएल कार्ड, बिजली का, नाली, इस बार में नालियां और बहुत गंदगी है, मतलब उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां बहुत गंदी भरी पड़ी हैं, इन सब चीज़ों की ओर ध्यान। वार्ड मतदाताओं से क्या अपील, विशेष अपील क्या है? मेरी मतदाताओं से अपील है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आप लोगों के जो भी समस्याएं होंगी मैं आपके बीच में आऊंगी, उनको उनकी समस्याओं को दूर करूंगी और इसीलिए मैं आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ, ध्यान आकर्षण करने के लिए कहते हैं। क्योंकि वार्ड में निम्न तबके के लोग भी होंगे और आप एक महिला प्रत्याशी हैं, तो मैं विशेष तौर पर ये जानना चाहूंगा कि महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या विशेष कार्य और निम्न तबके के लोग के लिए क्या विशेष कार्य करेंगे आप? मैं महिलाओं के लिए, उनके लिए जो भी योजनाएं हैं, उन महिलाओं से मिली हूँ, उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पेंशन की भी योजना, मतलब जो बहुत सारे ऋण जो ये होते हैं योजनाओं के, लक्ष्मी लाडली योजना है, इन सब मतलब जितनी भी महिलाओं की योजनाएं अपने प्रदेश से मोदी जी ने लाई, प्रदेश से शिवराज जी चौहान जी लाए, उनको महिलाओं के बारे उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मैं उन सब के बारे में उनको जानकारी दूंगी और उनको उनके उत्थान के लिए काम करूंगी। और निम्न तबके के लिए भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन सब अनभिज्ञ है, कोई उनके बारे में बताते नहीं है, तो मैं उन सब के लिए उनको बताऊंगी और उनके लिए सहयोग करके उस चीज में उनको शामिल करूंगी। आपके वार्ड में जन समर्थन कैसा मिल रहा? बहुत अच्छा है, सब लोग मतलब महिलाएं साथ में बहुत परिवर्तन चाहती हैं, इसलिए बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं, चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए, तो इस बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए कि हम आपका सहयोग करेंगे। यदि जीतते हैं आप तो क्या कार्य योजना रहेगी कोई नई? मेरी योजना है तो सबसे पहले मैं महिलाओं और लड़कियों के लिए करूंगी, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि एक महिला मैं भी हूँ, मैं अपने छोटे तबके से मैं लोगों को देखी हूँ कि क्या क्या समस्याएं वो लोग बेचारी लोग सामना करती हैं, तो उनके लिए मैं काम करूंगी। जो निम्न स्तर के मजदूर हैं जो मतलब नहीं कुछ कर पा रहे हैं उनके लिए काम में शामिल हूं। आप कई दिनों से जनसंपर्क, क्या राय मिलती है आपको लोगों से, क्या सुझाव देते हैं कि क्या क्या वार्ड में समस्याएं हैं जिनको सुधरवाना है? वो यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ नल नहीं है, नल की व्यवस्था कराइएगा, बिजली की व्यवस्था नहीं है और मतलब जो रोड में लाइट है वो नहीं जलती है, नालियाँ इतनी गंदी है, लोग उसमें कचरा डाल देते हैं, सब उसकी व्यवस्था बनाइएगा, रोड अच्छी नहीं है,